और गृह मंत्रालय ने थिएटर्स में सभी सीटों पर बैठने की अनुमति देने पर तमिलनाडु सरकार को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से इस आदेश को वापस लेने के लिए कहा है, क्योंकि ये गृह मंत्रालय के थिएटर और मल्टीप्लेक्स को लेकर जारी किए गए आदेश का उल्लंघन है। अक्टूबर के महीने में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। तो तमिलनाडु को आड़े हाथों लिया है, और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मुगलन इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी मुगलन, लेट अस नो द लेटेस्ट अपडेट इन दिस न्यूज। डेफिनेटली यस, राइट आफ्टर होम मिनिस्ट्री राइटिंग लेटर टू तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स मूव टू अलाउ 100% ऑक्युपेंसी इन द थिएटर, नाउ द तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट इज इन अ हर्डल। There are meetings happening at various stages. When we spoke with Minister for Information and Communication, he said at the earliest a decision will be taken. But when we spoke with the officials at Secretariat, what we're getting to hear is that the official communication, the official government order cancelling the government's decision to allow 100% occupancy will be issued after Chief Minister coming back to Chennai, because now Chief Minister is camping in various districts. He's in Chennai. So once he reaches Chennai, after a discussion, a GO will be issued, is what we're being told by the sources at Secretariat. जी मुगलन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।